वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गुरु ज्ञान में। दोस्तों आज का टॉपिक है, अगर सपने में आप राधा कृष्ण जी को देखते हैं, वो चाहे मूर्ति के रूप में हो, फोटो के रूप में हो या वास्तविक रूप में हो, यदि सपने में आप राधा कृष्ण जी को देखते हैं तो इस सपने का क्या मतलब है, ये सपना आपके जीवन में क्या प्रभाव डालता है। यदि आपको ऐसा सपना आता है तो आखिर ये सपना क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो इसी विषय पर हम आज आपसे बातें करेंगे। तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों जानते हैं। वैसे तो दोस्तों सपने में किसी का भगवान जो है दर्शन देते हैं, किसी को भी भगवान दर्शन जल्दी से देते नहीं है, और जिसको देते हैं वो बहुत खास होता है। ऐसे लोग एक पवित्र आत्मा है, ऐसे लोगों को आध्यात्मिक में बहुत अच्छी रुचि होती है। तो दोस्तों इस बात को जानते हैं कि अगर किसी को सपने में राधा कृष्ण दिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में राधा कृष्ण देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस सपने का मतलब है कि आपके भाग्य में बढ़ोतरी होने वाली है, और खासकर ये सपना प्रेम संबंधों में प्यार बढ़ने का इशारा होता है। यदि आप सपने में राधा कृष्ण को देखते हैं, किसी भी रूप में आपको समझ जाना चाहिए, आपको आपके प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। आपको जो प्रेम संबंध है वो और मजबूत हो जाएगा, और कोई अविवाहित लड़का लड़की ये सपना देखता है तो इस सपने का मतलब उस व्यक्ति का जल्द से जल्द विवाह हो सकता है, उसे उसका मन चाहा जीवन साथी बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। और यदि कोई विवाहित व्यक्ति ये सपना देखता है तो इस सपने का मतलब है उसके गृहस्थ जीवन में प्रेम बढ़ेगा, उसका जीवन खुशहाल होगा, और सारी परेशानियां जो जीवन में चल रही है उस व्यक्ति की सारी दूर हो जाएगी। दोस्तों सपनों में राधा कृष्ण का ये सपना देखना बहुत ही शुभ होता है। ये मानकर चलिए अब आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, जीवन में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार।